अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम एजाज अहमद है और मैं आज आपके साथ एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हाज़िर हूँ, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप किसी प्रॉपर्टी ओनर हैं या अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए, किस मॉडल में इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। और फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप प्रॉपर्टी ओनर हैं तो फ्रेंचाइज, किसी भी ब्रांड की फ्रेंचाइज किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, या फिर अपने लोकेशन पे किसी भी ब्रांड को किस तरीके से लेके आ सकते हैं, तो आए उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी लेटेस्ट जो भी न्यूज़ आ रही होती है उससे अपडेट करें। खैर, अगर आप एक प्रॉपर्टी ओनर हैं या फिर अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं रिगार्डिंग फ्रेंचाइज बिजनेस, तो किस तरीके से आपने वो इन्वेस्टमेंट को प्लान करना है। और उसके अलावा अगर आप किसी प्रॉपर्टी ऑनर हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टी ऑनर हैं, तो आप अपनी लोकेशन पे ब्रांड को किस तरीके से हासिल कर सकते हैं या कौन सा तरीक़ेकार आपको अपनाना चाहिए जिसमें आपको आपको फ़ायदा हो, आपकी प्रॉपर्टी को फ़ायदा हो, और ऑब्वियसली जो आपकी एक इन्वेस्टमेंट आप उसमें कह रहे होंगे तो वो किस तरीके से ज़्यादा प्रॉफिटेबल बन सकती है, तो उसके हवाले से हम डिस्कस करते हैं कि अगर आप कोई भी ब्रांड हासिल करना चाहते हैं तो ब्रांड जो है वो अपनी फ्रेंचाइज फीस जो है वो चार्ज करता है, जिसके एवज में जो है वो आपको उस लोकेशन के ऊपर उस ब्रांड की स्टोर बनाने की जो लाइसेंस होता है, जो लीगल डॉक्यूमेंटेशंस होते हैं वो आपको अप्रूव कर देता है। उसकी ऑनरशिप आपके नाम पे होती है, जितने भी टाइम पीरियड का आपके साथ उनका एग्रीमेंट होता है उस टाइम पीरियड तक की आपके पास जो है ऑनरशिप होती है। और उसके अकॉर्डिंग, फॉर एग्जांपल, इन फ्यूचर अगर आप प्लान करते हैं कि आपने उस ब्रांड के साथ काम नहीं करना है, तो ऑब्वियसली आप उसको आगे अपने बिहाफ पे उसको सेल भी कर सकते होते हैं। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा होता है कि आप किसी चीज़ के बाउंड नहीं हैं, किसी को आपने जो है किसी की एस सच अंडर आपने वर्क नहीं करना, तो ये बहुत बड़ा आपके लिए फ़ायदा होता है। और आप खुद ही बिज़नेस कर रहे होते हैं, उस ब्रांड के साथ मिलकर बिज़नेस कर रहे होते हैं, उसका फ़ायदा ये होता है कि ब्रांड ने जो बेसिक नीड्स एंड वांट्स होती हैं उस कम्युनिटी की या उस प्रोडक्ट की, तो उस चीज़ को डिफ़ाइन किया हुआ होता है और आपने उसके ऊपर वर्किंग नहीं करनी होती, आपने उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जो है मेहनत नहीं करनी होती। जैसे आपने फ्रेंचाइज हासिल करते हैं, प्रोडक्ट की नॉलेज हासिल करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, और उसके बिहाफ पे आपकी जो डे वन से है वो सेल्स होना शुरू हो जाती हैं। और उसका सबसे बड़ा ये फ़ायदा होता है कि ब्रांड ने अपना एक कस्टमर पोर्टल बनाया हुआ होता है, कस्टमर बेस होता है कस्टमर ब्रांड का, उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि जैसे ही आप अपनी लोकेशन के ऊपर उस ब्रांड को लेके आते हैं तो उस ऑटोमेटिकली आप उसके कस्टमर को लेके आते हैं, और आपको ये फ़ायदा होता है कि डे वन से आपको जो है सेल्स आ रही होती हैं। और आप जो है फ्रेंचाइज फीस के मामले में जो है किसी किस्म की बाउंडेशन नहीं होती हैं, कोई बस आपने बेसिक SOPs आपको फॉलो करनी होती हैं और आप जो है एक प्रॉफिटेबल बिज़नेस जो है वो प्लान कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो सेटअप कॉस्ट होती है वो भी आपने ही बेयर करनी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप किसी रेस्टोरेंट बिज़नेस के अंदर प्लान कर रहे हैं तो जो भी कुछ इक्विपमेंट्स आती हैं, जो भी आपकी लोकेशन होती है उसको आप फुलफ़िल करते हैं इन टर्म्स ऑफ किचन इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ रेनोवेशन, इन टर्म ऑफ जो है आपके जो एक पूरा रेस्टोरेंट का एम्बियंस बनता है उसकी सूरत में जो भी कुछ कॉस्ट आती है वो आपने ही बेयर करनी होती है। इसमें ब्रांड्स जो होते हैं वो आपको रिलैक्सेशन इस तरीके से दे रहे होते हैं, या तो ब्रांड्स कहते हैं आप उनके थ्रू बनवा लें, जो उनके आर्किटेक्चर्स होते हैं, जो उनके डिज़ाइनर्स होते हैं उनके थ्रू बनवा लें, या फिर अगर आप खुद भी बनाना चाहते हैं अपने आर्किटेक्चर या अपने डिज़ाइनर के थ्रू, तो ब्रांड्स जो है बेसिक SOPs आपको गाइड कर देते हैं जिसके भी आप बना सकते हैं। और ब्रांड्स कोई आपसे कोई एक्स्ट्रा चार्जेस चार्ज नहीं करता, कोई किसी किस्म की आपको रोक टोक नहीं करता, जैसे आपने जो है उनकी जो बेसिक SOPs होती हैं उनको आपने फॉलो करना होता है। इसी फ्रेंचाइज बिजनेस में ब्रांड जो है वो अपनी रॉयल्टी चार्ज कर रहे होते हैं मंथली बेसिस पे, वो डिफरेंट होती है, वो स्टार्टिंग फ्रॉम 1% 2% टू 10% होती है, डिपेंड ऑन द ब्रांड्स वर्थ और डिपेंड ऑन द ब्रांड्स SOPs एंड टर्म्स एंड कंडीशन। वो ब्रांड्स आपके साथ तभी डिस्क्लोज करता है जब आप उनके साथ इंटरेस्ट शो करते हैं, और उसी के ब्याह पे जो आप जहाँ पर लोकेशन एंड एरिया के ब्याह पे वो आपको चीज़ें डिटेल में गाइड करते हैं। रॉयल्टी चार्ज करने का मकसद ये होता है कि जो आपकी टीम को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, मार्केटिंग सोशल मीडिया मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो इस तरह की जितनी भी सर्विसेज होती हैं उसके ब्याह पे मंथली बेसिस पर रॉयल्टी चार्ज कर रहे होते हैं। और आपको उसका फ़ायदा ये होता है कि
ब्रांड जो है वो मार्केटिंग में अंदर उसको इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, आपको एनी टाइम कभी भी आपको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपको अपने लोकेशन पे, अपने रेस्टोरेंट पे किसी भी किस्म के इनपुट की ज़रूरत होती है तो आप ब्रांड के साथ कॉन्टैक्ट करते हैं, ब्रांड आपको जो है टाइमली बेसिस पे उसको ओवरकम कर, किसी भी मसले को ओवरकम करती है, किसी भी किस्म के आपको सर्विसेज चाहिए, किसी भी किस्म की आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ब्रांड आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर आप आज ही प्लान कर रहे हैं कि 2024 के अंदर किसी भी किस्म की ब्रांड की फ्रेंचाइज हासिल करके और अपनी लोकेशन के ऊपर जो है वो ब्रांड लेके आएँ, या फिर आप प्लान कर रहे हैं कोई भी इन्वेस्टमेंट ब्रांड के साथ कि आप जो हैं किसी भी रेंटल प्रॉपर्टी के ऊपर ब्रांड को अपने लेना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, आज ही flippers.pk से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि flippers.pk के पास अराउंड 20+ पाकिस्तानी मोस्ट पॉपुलर ब्रांड्स मौजूद हैं जिनकी हम फ्रेंचाइज को डील कर रहे हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाएं और बेसिक इन्फॉर्मेशन हासिल करें। हम आपको जो है डायरेक्ट ब्रांड के साथ लिंक करवाते हैं, कॉन्टैक्ट करवाते हैं, मीटिंग करवाते हैं और उसी बिहाफ पे हम आपके लिए जो है डिस्काउंट्स ऑफर करवाते हैं ब्रांड से। तो आज ही flippers.pk से कॉन्टैक्ट करें और अपनी इन्वेस्टमेंट को सेफ एंड सिक्योर बनाएं। थैंक यू।